हेलो एवरीवन, आरसी बेलेरो पिकअप बनाने के लिए हम जो है कि एक प्लास्टिक सीट लिए हैं जिसका लेंथ जो है 14 इंच है। इसकी चौड़ाई जो हम लेंगे 4.25 इंच ही लेंगे। दोनों साइड हम कुछ इस तरह से निशान लगा लेंगे। लकीर खींचने के बाद फ्रंट से हम कट कर लेंगे। देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो सीट है वो कट चुका है। अब दोनों साइड से जो है कि हमें 1-1 इंच का निशान लगा लेना है। देख सकते हैं ये 1 इंच मैंने निशान लगा लिया है। दोनों साइडों में लगाना है 1-1 इंच निशान, कुछ इस तरीके से। अब दोनों जो हमारा जो चौड़ाई है, चौड़ाई में भी जो है हमें 1-1 इंच का निशान लगा लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड, कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं हमारा जो निशान लग चुका है। अब हम आप जो व्हील यूज करने वाले हैं ये इजीली फ्लिपकार्ट या अमेजन पे अवेलेबल है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अनुसार जो है हम मेजर कर लेंगे। हम इसका हाइट मेजर कर लेते हैं, देखते हैं कितना इसका लेंथ है, तो उस हिसाब से हम इसे यहाँ पे मेजर कर लिए हैं और यहाँ से लाइन खींच लिए हैं। इधर भी मैंने सेम जो है कर लिया है। अब देख सकते हैं ये जो व्हील के 4 एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हमें कट कर लेना है, इस पार्ट को जहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम फटाफट कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे मैंने कट कर चुका है। अब इसे अच्छे से इसके सरफेस को स्मूथ कर लेंगे हम। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती है, तो एडिटिंग पे मत जाइएगा। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा जो बेस है वो तैयार है फ्रेंड्स। अब इसके में आगे एक में जो फ्रंट व्यू होगा उसका हम बनाएंगे। देख सकते हैं इसकी चौड़ाई के अनुसार मैंने यहाँ पर लाइन ले लिया है, यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। 3 इंची मैंने साइड में छोड़ा है, 3-3 इंची साइड में। बीच में हमारा जो बेस है उसके अनुसार मैंने इसका जो है लेंथ छोड़ा हुआ है। बाकी के पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब जैसे 1 इंची जो है कि 3 इंची के बाद 1-1 इंची का कुछ इस तरह से हम गैप बनाएंगे जो कि थोड़ा सा कॉनिकल होगा। देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से लाइन लगाया है। यहाँ पे मैंने 5-5 mm का गैप छोड़ा है लाइन से। अब यहाँ पे सोल्डिंग को हीट करेंगे। हीट करने के बाद कुछ इस तरह से लाइन पे रख के हमें जो है मोड़ लेना है। देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से हम ये चीज़ कर दिया है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो आगे का बोनट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इसके आगे के ग्रिल को बनाने के लिए हम कुछ इस तरह से निशान लगा लेंगे एक पीवीसी सीट पे। यहाँ पे अच्छे से निशान लगा लेंगे और हैंड सॉ की हेल्प से इसे हम कट कर लेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से निशान है, हम यहाँ पे कट कर लिए हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे फिटिंग करेंगे। तो उसके जो कटिंग हमने किया था उस पर एक राउंड शेप में हम कट कर लेंगे और ब्लैक प्लास्टिक इसके पीछे की ओर रख के इसके अनुसार शेप के अनुसार कट कर लेंगे ताकि लुक जो है थोड़ा वो इन्हेंस हो, अच्छा लगे देखने में। यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अगेन यहाँ पे जो है सुपर ग्लू की हेल्प से हमें चिपका देंगे। यहाँ पे चिपक चुका है फ्रेंड्स। और इसकी ग्रिल को बनाने के लिए हम यहाँ पे एल्युमिनियम जो है कि वायर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे छोटा छोटा पीस हम कट कर लेंगे इसके साइज़ के अनुसार और इसे सुपर ग्लू की हेल्प से चिपकाते जाएंगे। तो यहाँ फटाफट चिपका लेते हैं हम। इसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है, लाइट वगैरह लगानी है, हेडलैम्प, तो
तो अब कुछ इस तरह से हम यहाँ पे सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो आगे का ग्रिल है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो है कुछ इस तरह से सेटिंग होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे व्हील का शेप देने के लिए जो हमारा व्हील का जगह होगा, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कट कर लिया और इसकी सरफेस को थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ हो चुका है। अब इसकी बेस प्लेट पे आते हैं फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं मोटर यूज़ करने वाला हूँ वो गियर मोटर है, जो कि अमेजन फ्लिपकार्ट पे इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। 250 रुपये में 4 पीस के व्हील के साथ मिल जाता है। अब देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से इसे यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ सुपर ग्लू की हेल्प से। गाइज प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देख सकते हैं ये जो हम आगे का व्हील बनाएंगे फ्रेंड्स, एक ख़राब गियर मोटर था उसमें मैंने बीच में रड एक डाल दिया है, और कुछ इस तरह से इसको भी हम यहाँ पे सुपर ग्लू की हेल्प से फिक्स कर देंगे। अब हमारा जो बेस है वो कंप्लीट है फ्रेंड्स। बात रहा कनेक्शन की, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हम वीडियो कंप्लीट बनाते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम बॉडी और जितने भी वायरिंग है वो कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।